मैं हूं फातिमा, एके.आई. न्यूज़ एंकर और आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस। फेसबुक पर हुई दोस्ती की खातिर पाकिस्तान आने वाली भारतीय लड़की के वालिद ने इससे कतअ ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पीर के रोज़ ये खबर सामने आई कि एक भारतीय लड़की पाकिस्तानी दोस्त से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके देर बाला पहुँच गई। ताहम उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और इसे पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने बाकायदा तौर पर लेटर भी जारी करके दिया। मंगल के रोज मालाकंड डिवीजन के DIG नासिर महमूद सत्ती ने उनजो और नसरुल्ला के निकाह की तस्दीक की और बताया कि भारतीय खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा रख लिया। DIG मालाकंड के मुताबिक दोनों का निकाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में हुआ, जिसके बाद भारतीय खातून को पुलिस की निगरानी में अदालत से घर मुंतकिल कर दिया गया। खातून ने अपने बयान में कहा कि अपनी मर्जी से दोस्त नसरुल्लाह के पास आई हूँ। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और इलाका बहुत खूबसूरत है। अब फातिमा के वालिद गाया प्रसाद थॉमस ने भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से वो अपने दो बच्चों और शौहर को पीछे छोड़कर भागी है, उसने तो अपने बच्चों तक का नहीं सोचा। अगर उनजो को यही करना था तो पहले अपने पहले शौहर से तलाक लेती, अब वो हमारे लिए मर गई है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हुकूमत से अपनी बेटी को पाकिस्तान से वापस भारत लाने की अपील नहीं करूँगा। मेरी दरख्वास्त है कि इसे पाकिस्तान में ही मरने दें। लड़की के वालिद का मजीद कहना था कि इसके बच्चों का क्या होगा, शौहर का क्या होगा, इसकी 13 बरस की बेटी और 5 बरस के बेटे का क्या होगा, इसने अपने बच्चों का और शौहर का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया।